हरियाली तीज के पावन मौके पर वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में हिडोल के दर्शन तो होते ही हैं, साथ में ही वृंदावन के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में सायकालीन दर्शन के समय सभी मंदिरों में देवी देवताओं को झूले में विराजमान कराया जाता है। इसी क्रम में वृंदावन के सुप्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में भी भगवान राधा वल्लभ लाल को हिडोल में विराजमान किया गया और राधा वल्लभ लाल को हरे रंग के पोशाक धारण कराई गई। वहीं मंदिर के प्रांगण सुसज्जित ढंग से सजाया गया, जिसमें चारों ओर तरह तरह के पुष्पों की महक भक्तों के मन को मनमोहित कर रही थी। वहीं इस मौके पर मंदिर में समाज गायन का भी आयोजन किया गया। साथ ही उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ मंदिर में भी ठाकुर रंगनाथ भगवान और गोदा देवी को झूले में विराजमान किया गया। जी, मंदिर में क्या आयोजन किया? आज के दिन हरियाली तीज का दिव्य महोत्सव हमारे यहाँ पूरे ब्रज प्रांत में ही नहीं अभितु पूरे भारतवर्ष में कहीं तीज माता के रूप में मनाया जाता है, तीजड़ी के रूप में। हमारे ब्रज में जो है हरियाली तीज को प्रेम सौहार्द उमंग और हरितिमा, जैसे मेहंदी लगाया है तो मेहंदी में जब लगाएंगे वो हरितिमा है, पर जब उसको छुटाएंगे तब उसमें लालिमा आ जाएगी। तो ये लालिमा का उमंग का सौहार्द का प्रतीक है और आज के दिन हमारे राधा रानी को लाल जी झूला झुला रहे हैं। आज के दिन लाल जी को झूला झुला रहे हैं, लाल जी झूला झुला रहे हैं। झूला तो दो नवल किशोर हमारे हितरवंश महाप्रभु जो हमारे पूर्वज हैं, 542 वर्ष से ऊपर हमारी जो प्रथम पीठ राजवंश पीठ है, उस राजवंश पीठ में धूमधाम से ब्रज की रस की रीति, ब्रज की उपासना पद्धति हमारे हितरवंश महाप्रभु गोस्वामी आचार्य चरण ने बताया। ये ही एक ऐसी संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी को भोग राग श्रृंगार आदि के द्वारा ठाकुर जी को पद पदावली से रिझाया जाता है। आज भी वही परंपरा अक्षुण हमारे गोस्वामी प्रबुद्ध जन राजवंश के जितने भी हमारे गोस्वामी जन हैं वो सब इसको अनवरत रूप से मना रहे हैं। तो आज जो आप भव्य भव्य जो रूप देख रहे हैं आज ठाकुर जी को भोग राग श्रृंगार के द्वारा झूले के द्वारा, आज के ही दिन सेवक जी महाराज का जो दामोदर दास जी महाराज उनका जन्म हुआ, दामोदर दास जी ने हम हितरवंश महाप्रभु की जो रस रीति है उसको समस्त ब्रजमंडल में समस्त भारतवर्ष में उसको प्रकट किया। जैसे राम जी को हनुमान जी की जरूरत थी ऐसे ही महाप्रभु जी को सेवक जी महाराज को हालांकि मंत्र उन्होंने दर्शन नहीं किए थे पर उन्होंने सेवक जी महाराज ने महाप्रभु जी को अपना स्वयं गुरु माना। ये वो संप्रदाय है, ये वो विग्रह है जो साक्षात भगवान शंकर के द्वारा, और जो मंत्र जो है वो हमारा जो निज मंत्र है वो हम किसी को नहीं देते, भले इस समय जो चल रहा है वो शरणागति का मंत्र चल रहा है तो शरणागति तो देते हैं पर राजवंश गोस्वामियों के पास ही निज मंत्र है जो भी हमारा मंत्र है और वो मंत्र हम किसी को देते नहीं। तो आज के दिन ठाकुर जी को भोग राग श्रृंगार के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय में ये एक ऐसी संप्रदाय है जो ब्रज से ही प्रकट है और ब्रज में ही इसका स्थापना है और वो हितरंश महाप्रभु ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल का आज आप लोग सभी दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग आएँ, इस ब्रज की इस पद्धति से जुड़ें, ब्रज की इस रसोपासना पद्धति से जुड़ें और राजवंश में गोस्वामी जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब अंग से भी ये सब। आज मंदिर में क्या विशेष है, हरियाली बीच का पर्व है, क्या मंदिर में विशेष रखा गया ठाकुर जी के लिए? आज हरियाली तीज से एक दिन पहले प्रिया जी के लिए सिंधारों रखो जावे, शयन कक्ष में सिंधारों और सवेरे आज हमारे यहाँ दिन में मेहंदी प्रसाद वितरण हो गए। प्रिया जी की प्रसादी मेहंदी को बड़े सौभाग्य सूचक है, सब बड़े खुल के इसका आनंद है। आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, लोगों के हाथों को देखेंगे तो रंगे पोते दिखेंगे पूरे, ये नहीं कि डिजाइन से लगा रहे हैं, प्रसादी है, बड़े उससे आनंद ले रहे हैं लोग। और संध्या समय से हरियाली तीज से लेकर सलूने तक, रक्षाबंधन तक, राधा वल्लभ लाल रोज नई नई तरह के झूले में विराजमान, जिसमें विशेष रूप से फूलों के भी झूला बने, चांदी को भी रह में, हर तरह के रह में, जैसे मौको देख के, जैसे उनको भाव देख के सखियाँ वही उसी प्रकार को झूला तैयार कर रहे हैं, जैसे उनको भाव है, जैसे उनकी बैठने की इच्छा है या
सखियाँ तरह तरह के गुलाओं में बैठा के यहाँ के समाज में हमारे यहाँ पद आवे, छोटा कैसे जा रही हैं, यमुना के बाप पार तक जा रही हैं, उत जमुना लो गई लताओं के ऊपर से लहंगा फेर तो वह जा रहा है प्रिया जी को, ऐसा वर्णन है वो चरितार्थ होता है। देखो यार जोर से राधा वल्लभ लाल जी उठा ले। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।